हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल। दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है भाई, मुर्दा ही जाने कब्र का हाल, मुर्दा ही जाने कब्र का हाल। अजूबे कभी ख़त्म नहीं होते, तुम अजूबा हो, अजूबे कभी ख़त्म नहीं होते। ये तीनों सेंटेंसेस आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे। हिंदी में इसको इसी तरह से बोलते हैं। क्या आपको पता है इसको इंग्लिश में किस तरह से बोला जा सकता है? क्या आप इनकी इंग्लिश बता सकते हैं? फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं होता है या फिर उसमें डिफ़िकल्टी होती है। मॉडल सेंटेंसेस का सेट टू मैं इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि सेट वन को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे बोलने में। और उसी मॉडल सेंटेंस की नेक्स्ट कड़ी ये मॉडल सेंटेंसेस का सेट टू है। फ्रेंड्स, सारे मॉडल सेंटेंसेस देखने के लिए, समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके सेलेक्ट फॉर ऑल करिए ताकि आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाया करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज के जो मॉडल सेंटेंसेस हैं, फर्स्ट मॉडल सेंटेंस है, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। इंग्लिश में कहेंगे समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। इंग्लिश में कहा जाएगा डोंट ट्राई टू अम्यूज मी, डोंट ट्राई टू अम्यूज मी। क्या तुम्हें ऊंचा सुनाई दे रहा है, क्या तुम्हें ऊंचा सुनाई दे रहा है, या फिर क्या तुम बहरे हो, क्या तुम्हें ऊंचा सुनाई दे रहा है, क्या तुम बहरे हो। इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा ये सेंटेंस, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, क्या तुम बहरे हो, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। अजूबे कभी खत्म नहीं होते, अजूबे कभी खत्म नहीं होते। वंडर्स नेवर क्लोज, वंडर्स नेवर क्लोज। तुम पथ भ्रष्ट हो रहे हो, तुम गुमराह हो रहे हो। पथ भ्रष्ट होना या गुमराह होना एक ही बात है, तुम गुमराह हो रहे हो। इंग्लिश में कहेंगे यू आर गोइंग अस्ट्रे, यू आर गोइंग अस्ट्रे, यू आर गोइंग अस्ट्रे। और अगर सेंटेंस है कि तुम मुझे पथ भ्रष्ट कर रहे हो या फिर तुम मुझे गुमराह कर रहे हो, आर यू लीडिंग मी अस्ट्रे, आर यू लीडिंग मी अस्ट्रे, तुम मुझे पथ भ्रष्ट कर रहे हो, आर यू लीडिंग मी अस्ट्रे, लीडिंग मी अस्ट्रे। हमारे रिश्ते में दरार पड़ चुकी है, किस तरह से कहेंगे इंग्लिश में, हमारे रिश्ते में दरार पड़ चुकी है को, देयर इज अ रिफ्ट इन आवर रिलेशनशिप, देयर इज अ रिफ्ट इन आवर रिलेशनशिप, देयर इज अ रिफ्ट इन आवर रिलेशनशिप। मुर्दा ही जाने कब्र का हाल, मुर्दा ही जाने कब्र का हाल। इंग्लिश में कहते हैं ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज केवल मैं ही जानता हूं मुझ पर क्या बीत रही है, केवल मैं ही जानता हूं कि मुझ पर क्या बीत रही है। आई ओनली नो वेयर द शू पिंचेस, आई ओनली नो वेयर द शू पिंचेस। उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा है, या वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है। इसको इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे, ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। नेक्स्ट सेंटेंस इज वोकैबुलरी याद करना एक भयानक सपने की तरह है। किसी भी काम के लिए जब ये कहा जाता है कि ऐसा करना एक भयानक सपने की तरह है, यहाँ पे सेंटेंस लूँगी वोकैबुलरी याद करना एक भयानक सपने की तरह है। सेंटेंस होगा लर्निंग वोकैबुलरी इज़ अ नाइटमेयर, लर्निंग वोकैबुलरी इज़ अ नाइटमेयर, या फिर लर्निंग वोकैबुलरी इज़ लाइक अ नाइटमेयर,
लर्निंग वोकैबुलरी इज लाइक अ नाइटमेयर। इंग्लिश व्याकरण बच्चों का खेल है। सेंटेंस है, इंग्लिश व्याकरण बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल मीन्स एज इजी एज एबीसी। इंग्लिश ग्रामर इज एज इजी एज एबीसी। इंग्लिश ग्रामर इज एज इजी एज एबीसी। और ये बच्चों का खेल नहीं है, इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? इंग्लिश ग्रामर इज नॉट इजी एज एबीसी। इंग्लिश ग्रामर इज नॉट इजी एज एबीसी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं कंगाली की कगार पर हूँ। कंगाली की कगार पर होना, पैसे बिल्कुल खत्म हो जाना, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे आई एम डाउन टू माई लास्ट रुपी। आई एम डाउन टू माई लास्ट रुपी। आई एम डाउन टू माई लास्ट रुपी। जेब कतरा रंगे हाथों पकड़ा गया। जेब कतरा रंगे हाथों पकड़ा गया। द पिक पॉकेटर वॉज कॉट रेड हैंडेड। द पिक पॉकेटर वॉज कॉट रेड हैंडेड। क्या जज ने उसे दोषी पाया? क्या जज ने उसे दोषी पाया? इंग्लिश में बोलेंगे हैज द जज फाउंड हिम गिल्टी। हैज द जज फाउंड हिम गिल्टी। हैज द जज फाउंड हिम गिल्टी। उसने कोई गुनाह नहीं किया। इंग्लिश में कहेंगे ही हैज कमिटेड नो क्राइम। ही हैज कमिटेड नो क्राइम। या फिर ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस। क्राइम या ऑफेंस, ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस। नेक्स्ट इज, आलू कहीं भी फिट हो जाता है। आलू कहीं भी फिट हो जाता है। आप जानते हैं ना, आलू किसी भी सब्जी के संग बनाया जा सकता है। तो सेंटेंस है आलू कहीं भी फिट हो जाता है। इंग्लिश में कहेंगे पोटैटो इज अ स्टैंडिंग डिश। पोटैटो इज अ स्टैंडिंग डिश। पोटैटो इज अ स्टैंडिंग डिश। या फिर पोटैटो इज अ सेफ डिश। पोटैटो इज अ सेफ डिश। क्या यह गुनाह जमानत योग्य है? क्या यह गुनाह जमानत योग्य है? जमानत योग्य होना, बेलेबल। इज दिस क्राइम बेलेबल। इज दिस क्राइम बेलेबल। उसके पैर जमीन पर रहते हैं। उसके पैर जमीन पर रहते हैं। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो? मॉडल सेंटेंसेस के इस सेट टू में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके प्रेस फॉर ऑल करिए, ताकि आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।